Find the equation of a line which is passing through point x1, y1 and parallel to ax plus by plus c equal to 0. Any line passing through a point parallel to this. Parallel lines ki slope kya hoti hai aapas mein? Equal hoti hai. So what will be the slope of ax plus by plus c equal to 0? क्या फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वी या फिर इसको आप इस फॉर्म में लिख लो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी तो दिस इज योर एम जब आप इसको कंपेयर करोगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो स्लोप आ गई आपकी माइनस ए बाय बी अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है विद स्लोप माइनस ए बाय बी and passing through x1 comma y क्या इक्वेशन होती है पॉइंट गिवन है स्लोप गिवन है y माइनस y1 स्लोप टाइम्स x माइनस x1 स्लोप कितनी गिवन है माइनस a बाय b b को उधर ले जाओ b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a इंटू x माइनस x1 माइनस ए को इधर ले आओगे तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो यही चीज हमें शो कर सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11 वेयर इज योर नोटबुक काम तो करो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क डन अब क्वेश्चन नंबर 12 में यू आर गिवन टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अब दो लाइंस हमें गिवन है दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज गिवन टू बी 60 डिग्री ये हमें गिवन है दोनों के बीच में एंगल एंड दीज आर इंटरसेक्टिंग एट 2, 3 एंड एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 इसकी स्लोप अगर मैंने मान ली कि ये 2 गिवन है तो आई हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या करें एंगल गिवन है हाँ इक्वेशन ऑफ अदर लाइन के लिए मुझे पॉइंट गिवन है कि लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है अगर मैं सेकंड वाली की इक्वेशन स्लोप निकाल लूं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आई कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इसकी स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे थीटा गिवन है यानी कि दोनों लाइंस के बीच में एंगल गिवन है एक की स्लोप गिवन है तो क्या फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एम वन माइनस एम टू इसको मैं एम वन ले लेती हूँ और एम टू को एम ले लेते हैं अपॉन वन प्लस एम वन एम टू टेन 60 इज रूट 3 ठीक है अब क्या करेंगे जब मैंने यहां से मॉड्यूलस का साइन हटाया तो इधर प्लस माइनस लेना पड़ेगा यानी कि एक बार हम लेंगे रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 2m और दूसरी तरफ माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m क्लियर अब क्या करें m की वैल्यू निकाल लोगे यहां से सिंप्लीफाई करके क्या आएगा यहाँ पे ये स्टेप क्लियर है यहाँ रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई किया मैंने और इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए अब यहाँ से क्या होगा आपका एम वाली टर्म्स और विदाउट एम वाली टर्म्स टू रूट 3
एम प्लस एम, मैंने m कॉमन ले लिया और रह क्या गया मेरे पास रूट थ्री माइनस टू इक्वल टू जीरो। एम आ गया यहां से आपका टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री प्लस वन। कैलकुलेशन आपको जैसे इजी लगते हैं यू कैन डू इन दैट वे। सेम अब सेकंड केस, दिस विल बी माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री एम is equal to 2 minus m, m वाली terms एक तरफ, m common, अब एक बार ये वाली स्लोप लेके चलोगे आप विद द पॉइंट 2, 3 दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 ये स्लोप और ये पॉइंट, तो यू विल यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हियर ऑल्सो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2, 3 तो यहाँ पे भी आप स्लोप 2, 3 और पॉइंट 2, 3 और स्लोप 2+√3 अपॉन 1-√3 लेके चलोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सो दिस यू विल कम्प्लीट। After this question number 13, find the equation of the right bisector of the line. आपको equation निकालनी है of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2. कौन सा? ये वाला? यहाँ पे 2√3m और m में से m कॉमन ले लिया, 2√3+1 आ गया। ये दोनों टर्म्स में राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगे, माइनस टू उधर आके प्लस टू हो जाएगा, प्लस रूट थ्री उधर आके -√3 हो जाएगा और यहाँ क्योंकि आपने m कॉमन लिया हुआ था इधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके डिवाइड कर देगा। ठीक है, स्लोप आ गई, m आ गया, ये कहाँ से पास कर रहा है 2, 3 से, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आप निकाल लोगे y-y1 = m(x-x1) so y-3 is equal to 2-√3 upon 2√3+1 into x-x1 cross multiply कर लो again and then simplify हो जाएगा। same यहाँ पे भी ऐसे point 2, 3 given है, slope given है, सेम फॉर्मूला लगाओगे y-y1 = m(x-x1) एंड यू विल गेट योर आंसर। हां जी डन बेटे, हो गया नोट डाउन? चलें अगले पे, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से हमें गिवन है, 3, 4 and -1, 2। ठीक है, इक्वेशन किसकी निकालनी है, इसके राइट बाइसेक्टर जो कि इन पॉइंट्स को जॉइन कर रहा है। राइट बाइसेक्टर मीन्स एंगल 90 डिग्री एंड इट इज डिवाइडिंग दिस इंटू 2 equal parts। तो इससे हम दो पॉइंट्स गिवन है, स्लोप निकाल सकते हैं, क्या आएगी स्लोप, y2-y1 upon x2-x1 -2/-4 क्या आ गया ये 1/2। इसकी स्लोप क्या आ जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल, और किस पॉइंट से पास कर रहे हैं ये, जो इन दोनों का मिड पॉइंट है। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है, एक तो एंगल 90 डिग्री बना रहा है, दूसरा इस लाइन को ये 2 equal parts में डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 equal parts means this point is the midpoint। तो ये
अगर मैं ले लूं तो ए लिया सपोज, ये मैंने पी क्यू लिया, तो ए जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, थ्री माइनस वन बाई टू इज वन, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, फोर प्लस टू बाई टू इज थ्री। ठीक है, दोबारा देख लो, हमें गिवन था एक लाइन सेगमेंट पी क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स पी और क्यू के हमें गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ राइट बाई सेक्टर ऑफ पी क्यू निकालना। राइट बाय सेक्टर मीन्स उसका परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है, ये एंगल एक तो 90 डिग्री बनेगा, सेकेंडली ये दोनों का जो मिड पॉइंट है ये उससे पास कर रहा है, तो ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लिए। उसके बाद ये इसके परपेंडिकुलर था, यानी कि इसकी जो स्लोप आएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल विल बी द स्लोप ऑफ दिस, इसकी स्लोप हमने निकाल ली वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से वन बाय टू आ गई, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तो इसकी स्लोप आ। अब किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट है मेरे पास, स्लोप है मेरे पास, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके यू विल फाइंड द इक्वेशन। सो दिस इज y माइनस थ्री, एम कितना है आपके पास माइनस टू टाइम्स x माइनस वन, सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर, गॉट इट? ये एक्सरसाइज आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करनी है। नेक्स्ट मिसलेनियस के एग्जांपल्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आल्सो यू हैव टू डू। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट माइनस वन कॉमा थ्री। माइनस वन कॉमा थ्री से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और ये परपेंडिकुलर आपका किस पे ड्रॉ हो रहा है, दिस इज ड्रॉन टू द लाइन थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। स्टेटमेंट दोबारा देखो, लाइन हमें गिवन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, माइनस वन कॉमा थ्री से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमें ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसकी स्लोप विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, पॉइंट गिवन है, इस वाली इक्वेशन की भी लाइन आ जाएगी, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट। What the concept? ये इसके perpendicular है, तो इसकी slope का negative reciprocal will be the slope of this. इसकी slope आ गई, point given है, we can find out its equation using the point slope form. दोनों equations को simplify करोगे, जब दो equations को आप simplify करते हो तो आपको क्या मिलता है, उनका intersection point मिलता है, तो this आपके पास m के coordinates आ जाएंगे, ये आपका foot of the perpendicular. Clear? चलो जी, क्या करें, क्या निकाल ले, मास घटा के बोल। लीनियर इक्वेशन आएगी हमारे पास। ठीक है, चलो स्लोप क्या आएगी इसकी, डायरेक्ट फॉर्मूला से बताओ। मान लो मैंने इसको नेम दे दिया ए बी और इसको एन एम, स्लोप ऑफ ए बी माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई, थ्री बाय फोर आ गई, तो स्लोप ऑफ एन एम नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस फोर बाय थ्री। अब एन एम जो है दैट इज पासिंग थ्रू माइनस वन कॉमा थ्री,
तो इक्वेशन क्या आएगी आपकी इसकी, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, माइनस वन था वो माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, सो दिस विल बी 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4, सो ये आ गया आपका 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो इसकी इक्वेशन आ गई 3x 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. माइनस 5. अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लो तो यू विल गेट योर आंसर. x और y की जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m. So this again you are to complete yourself. डन, चले अगले पे. क्वेश्चन नंबर 15. परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट माइनस 1, 2. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी. परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. ये लाइन है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया which meets it at the point minus 1, 2. निकालना क्या है, वी आर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड सी. और इक्वेशन गिवन है हमें, लाइन की इक्वेशन गिवन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ऑरिजिन से ड्रॉ किया, अब ये परपेंडिकुलर है तो पॉइंट्स गिवन है हमें इसके ऊपर दो, वी कैन फाइंड आउट द स्लोप. नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप इक्वेशन आ जाएगी, कंपेयर विद दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ एम एंड सी. कंसेप्ट क्लियर है क्या कर रहे हैं. चलिए स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन क्या आएगी, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर. Slope of perpendicular from origin. y2 minus y1 upon x2 minus x1. 2 minus 0 upon minus 1 minus 0. That is minus 2. So slope of y is equal to mx plus c. Negative reciprocal aa jayega iska. Kya aayegi slope? 1 by 2. So m ki value aage half. Ab hume kiski value nikalni hai? C ki. So kya karenge? Y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन. क्लियर है ये, क्योंकि ये लाइन जो है वो माइनस वन कॉमा टू से पास कर रही है और इसका जो स्लोप था उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल से लाइन की स्लोप आ गई, तो लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं. इसको वाई इज इक्वल टू की फॉर्म में रहने देते हैं. तो C आ गया आपके पास 3/2. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, m ऑलरेडी हम हाफ निकाल चुके हैं तो c की वैल्यू आ गई आपकी 3/2. दोबारा देखो इसको, हमें गिवन था कि ओरिजिन से आपने लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर की जो स्लोप आई दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब ये लाइन पे परपेंडिकुलर है तो इट मींस लाइन की स्लोप विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, y इक्वल टू हाफ आ गया,
अब इस लाइन की आपके पास स्लोप है, पॉइंट है लाइन के ऊपर, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दूसरी तरफ क्या गिवन थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों को हमने कंपेयर किया तो c की वैल्यू आ गई 3/2। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ p एंड q are the lengths of the perpendiculars from the origin to the line x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta and x secant theta plus y cos x theta equal to k respectively, then prove that p square plus 4q square is equal to k square. P or q आपको क्या given है, length of perpendicular from the origin to the line. अब आपको length of perpendicular means distance from a point given है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। स्टेटमेंट एक बार दोबारा समझ लो, मान लो एक लाइन मुझे ये गिवन है, इसकी इक्वेशन है मेरे पास x cos थीटा माइनस y sin थीटा, इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, इक्वल टू वाला जो था वो मैं इधर ले आई, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म बन गई। अब इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मींस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मुझे कितना गिवन है, दिस इज गिवन टू बी पी, यानी कि जो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती हूँ, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगाते हैं तो ये वाली वैल्यू मुझे पी गिवन है। अब क्या चीज है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ लाइन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मुझे गिवन है, यानी कि इस इक्वेशन में एक्स को जीरो वाई को जीरो पुट करेंगे तो ये चीज मुझे पी गिवन। सेम वे में सेकेंड जो इक्वेशन गिवन है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्यू गिवन है, तो वैसे ही क्यू पुट करोगे। समझ आया क्या कर रहे हैं? चलिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। सो लाइन है हमारी x cos थीटा माइनस y sin थीटा, इक्वल टू वाली टर्म को मैं इधर ले आई, दैट इज माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू जीरो। Now distance of this line from origin is P. तो ये बन गया आपका P is equal to zero cos theta minus zero sin theta minus k cos 2 theta upon में root ए स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बी स्क्वायर की जगह माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक है इतना। अब आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, पी इज इक्वल टू के कॉस टू थीटा, डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा, वन का रूट इज अगेन वन, तो पी की वैल्यू आ गई के कॉस टू थीटा। सेम वे में सेकेंड इक्वेशन आपको क्या गिवन है, उसका डिस्टेंस क्यू गिवन है, तो दिस इज एक्स सीकेंट थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा, माइनस के इसका डिस्टेंस आपको क्यू गिवन है, फ्रॉम द ओरिजिन आप निकाल लोगे, x की जगह जीरो y की जगह भी जीरो, तो ये आ गया आपका q इज इक्वल टू k टाइम्स secant square theta प्लस cosec square theta, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो दिस कैन बी रिटन एज 1 by cos square theta प्लस 1 by sin square theta। ये स्टेप समझ आ रहे? अब LCM ले लो, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं रूट के बाद, और डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा तो क्यू की वैल्यू आ गई आपकी के साइन थीटा कॉस थीटा।
इनका एलसीएम लोगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज है आपकी। एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में इनका प्रोडक्ट, ठीक है। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ये डिनोमिनेटर में था तो ऊपर चला जाएगा, और रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, यहाँ पे वन के साथ के था तो ये के साइन थीटा कॉस थीटा। अब P आ गया मेरे पास, Q आ गया मेरे पास, और पूछा क्या है उन्होंने, वी आर टू शो दैट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। अब ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, Q के साथ उन्होंने क्या कहा 4Q स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2Q की वैल्यू निकालेंगे, जब आप स्क्वायर करोगे उसका वो 4Q स्क्वायर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, तो 2Q की वैल्यू आ गई K साइन 2 थीटा। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दोगे क्या, इधर कर दो, हाँ जी रूट में था ना बच्चे, यहाँ पे ये पूरा रूट के नीचे था तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये 2Q क्लियर है मेघा, कि ये भी ऊपर लिखूं। अब हमें क्या किया, हमने इसको इक्वेशन 1 ले लो, 2Q वाली को इक्वेशन 2 ले लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, या फिर आप डायरेक्ट जो प्रूफ करने है उसमें भी पुट कर सकते हो। सो दिस इज पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर हो गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 4Q स्क्वायर हो गया आपका K स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, K स्क्वायर कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज 1। सो यही चीज आपको प्रूव करनी थी, कोई डाउट है तो पूछ लो। पूछने ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द स्टेप्स यू कैन आस्क। डन, नोटेड, चले अगले पे। क्वेश्चन नंबर 17। In the triangle ABC with the vertices A, B and C, find the equation and length of the altitude from the vertex A. Vertex A से altitude draw कर रहे हैं हम BC पे, तो उसकी equation हमें निकालनी है। इस तरह का मैंने पहले करवाया हुआ है। A के coordinates हो गए 2, 3,
बी के कोऑर्डिनेट्स 4 माइनस 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 1, 2. फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, ये चीज निकालनी है. क्या करेंगे? परपेंडिकुलर है, ठीक है. इनकी स्लोप्स निकाल लोगे. नेगेटिव रेसिप्रोकल विल बी द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट गिवन है, इसकी इक्वेशन आ जाएगी. और क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, इस वाली लाइन की इक्वेशन, और 2, 3 से उसका डिस्टेंस. लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन. समझे? इसकी इक्वेशन कैसे निकाल लोगे? टू पॉइंट फॉर्म गिवन है, टू पॉइंट गिवन है आपको, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी टू पॉइंट फॉर्म से. y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1. टू पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ गई. देन क्या निकाल लोगे? उसका स्लोप निकाल लोगे. नेगेटिव रेसिप्रोकल विल बी द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट गिवन है. स्लोप हमने निकाल ली, इसकी इक्वेशन आ जाएगी. उसके बाद उसने क्या कहा? ये लेंथ निकालनी है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम 2, 3 विल गिव यू द लेंथ ऑफ दिस एल्टीट्यूड. So this you will do yourself. Clear? Now last question again, very important. P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts are A and B. अब जो लाइन हमें गिवन है उसके इंटरसेप्ट A, B गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन A प्लस y अपॉन B is equal to 1. यानी कि bx plus ay minus ab is equal to 0. LCM लिया, ab इधर आ गया multiply होके, उधर से इधर लाए तो minus. अब इसका distance from origin कितना given है? p, ठीक है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे अगेन. P इज इक्वल टू ऑरिजिन से है तो B इंटू 0 प्लस A इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन में अंडर द रूट B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है. यहां से क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू ए बी अपॉन B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट. जो हमें प्रूफ करना है अगर आप उसको देखो तो हमें 1/p² चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और फिर रेसिप्रोकल. हाँ जी, मॉड है ना, पॉजिटिव वैल्यू भी होते. तो यहां से आ गया p स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/p² इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सेपरेट कर लो, इंडिविजुअल लिख लो, तो यू विल गेट योर आंसर. क्लियर? सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 10.3. इसके बाद आपकी मिसलेनियस रह गई है. मिसलेनियस में से ट्राई कर लेना, क्वेश्चंस जो हो गए मैं छुड़वा दूंगी वो, फिर बाकी जो है दैट वी विल डिस्कस. फर्स्ट 10 क्वेश्चंस मिसलेनियस के ट्राई करना, कल डाउट्स लेके फिर मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगी. आई विल गिव यू द हिंट्स ऑफ दीज मिसलेनियस एक्सरसाइज. और इसमें आपका जो एग्जांपल नंबर है 24 एंड 21, एग्जाम्पल 21 और 24 मिसलेनियस से पहले, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो दीज यू विल डू, एक बार इनको देख लेना. टुमारो वी विल डिस्कस दीज ऑल्सो. 21 एंड 24 मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जो गिवन है वो थोड़ी सी अलग टाइप है, तो दैट वी विल डिस्कस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ एनी डाउट इज देयर ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आस्क, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग.